आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। 34 इंस्पेक्टरों का डिप्टी एसपी पद पर प्रमोशन किया गया है। विजय प्रताप यादव, सुधा चौधरी डिप्टी एसपी बनी, वहीं संजय कुमार सिंह, उमेश चंद्र भट्ट डिप्टी एसपी, वहीं अनिल कुमार वर्मा, कृष्ण मुरारी शर्मा डिप्टी एसपी बने हैं, अवनीश कुमार गौतम, सुजीत कुमार राय डिप्टी एसपी बने हैं, राजेंद्र प्रसाद, तेजेंद्र यादव, दिनेश कुमार डिप्टी एसपी बने हैं। तो वहीं नरसिंह नारायण सिंह, अभय कुमार सिंह, प्रभा सिंह, रमेश जसपाल सिंह, वहीं भुवनेश्वर पांडे, अल्पा घोष, मंजू शुक्ला, राजकुमार यादव, राकेश कुमार सिसोदिया डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोट हुए हैं। राजीव सिरोही, संजीव कुमार, आर के शर्मा डिप्टी एसपी के पद पर प्रमोट हुए हैं। वहीं धर्मराज यादव, अंजना वर्मा, दिनेश पाठक, सतीश सिन्हा, मनोज सिंह, ऋतिकांत डिप्टी एसपी बने हैं। परशुराम त्रिपाठी, सुजीत कुमार दुबे डिप्टी एसपी बने हैं। रविंद्रनाथ राय, विनोद कुमार यादव, ये सभी लोग डिप्टी एसपी पद पर प्रमोट हुए हैं। तो राजकुमार यादव, राकेश कुमार ये नाम है, राजीव सिरोही, संजीव कुमार, आर के शर्मा, वही लापरवाही के आरोप में हाफिन के एमडी पर कार्रवाई। औद्योगिक विपणन संघ के प्रबंध निदेशक अंजनी कुमार हटाए गए हैं। वित्तीय अनियमितता और सरकारी दायित्वों में लापरवाही का आरोप हाफिन के अध्यक्ष नवलेश प्रताप सिंह सीएम से की थी। उन्होंने शिकायत, जांच के बाद हुई कार्रवाई, हटाए गए अंजनी कुमार श्रीवास्तव। तो हाफिड के अध्यक्ष नवलेश प्रताप सिंह ने सीएम से शिकायत की थी, जिसके बाद जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है, हटाए गए हैं अंजनी कुमार श्रीवास्तव। हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष मिश्रा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, इस पूरी खबर के बारे में क्या कुछ अभी अपडेट मिल रहा है? देखिए, हाफिड में पिछले कई दिनों से कई अनियमितताओं की बात ही चल रही थी, जिसको लेते हुए हाफिड के जो अध्यक्ष हैं नवलेश प्रताप सिंह, उन्होंने अंजनी कुमार श्रीवास्तव की शिकायत की थी मुख्यमंत्री से, उनमें कई अनियमितताएं बताई थी, जिसकी जांच भी की थी, जिसमें जांच के बाद हाफिड के जो अंजनी कुमार हैं उनको उसमें दोषी पाया गया, उनको फिलहाल अपने पद से हटा दिया गया है और अभी जो प्रबंध निदेशक हैं उनको अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। क्योंकि हम बताते हैं, योगी आदित्यनाथ जब से योगी 2.0 की सरकार रही, तब से जीरो टॉलरेंस की नीति रही है, अपराध हो, भ्रष्टाचार हो, इन सब पे जीरो टॉलरेंस की नीति रही है। लगातार मुख्यमंत्री इस चीज़ से अवगत कराते रहे, चाहे हमने देखा था, चाहे बड़ी कार्रवाई को आप ले लें, तमाम डीएम को हटा दिया गया था अनियमितताओं के कारण चलते हुए, एसएसपी गाजियाबाद इसी की तहत चलाए हटाए गए थे, और आज हमने देखा किस तरह से हाफिड के जो अफ्रीका प्रबंध निदेशक हैं अंजनी श्रीवास्तव, उनको भी आज अनियमितताओं के तहत दोषी पाया गया, उनको भी कार्रवाई की गई। तो योगी 2.0 के बाद आने के बाद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री का साफ तौर से दिशा निर्देश और साफ तौर से वो अपनी कार्यशैली के दिखाते जा रहे हैं कि जिस तरीके से अगर आप भ्रष्टाचार होंगे, अगर आप अपराध में लिप्त होंगे, या फिर आपके कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिससे सरकार की छवि खराब होती है, या फिर आम जन तक सरकारी कामों में आप बाधा पहुँचाते हैं, तो उसके अगर आप दोषी पाए जाएंगे तो कड़ा रुख अपनाया जाएगा, और चाहे आप जिस भी पद पर हो, चाहे आप जो भी कार्य में आप हों, अगर आप इन सब चीज़ों में लिप्त पाए जाते तो आपके कास आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। वही दिखाते हुए आज हाफिर के जो प्रबंध निदेशक हैं अंजनी श्रीवास्तव, उनको उनके पद से हटा दिया गया है, निलंबित कर दिया गया है। ये साफ तरीके से एक बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे ये दिखा दिया है अपने काम में कि जिस तरीके से जीरो टॉलरेंस की बात की गई थी उसको करते भी नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और आगे आने वाले समय में ये साफ किया गया है कि जो भी अधिकारी होगा, जो भी कर्मचारी होगा, अगर वो किसी चीज़ में ऐसे चीज़ में लिप्त पाया जाता है, उसके खिलाफ अनुशासन के अनुशासनिक और जो आपकी कोई भी अगर आप ऐसी चीज में लिप्त पाए जाएंगे तो आपके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसका साफ दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी खबरों में आपसे अपडेट लेंगे। बात करेंगे राम जन्मभूमि में बनेगा माता जानकी का मंदिर। अयोध्या राम जन्मभूमि में बाल स्वरूप में ही विराजेंगे रामलला, पहले की ही मूर्तियों को किया जाएगा स्थापित। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि गणपति सबरी की भी बनेगा मंदिर, वही निषाद राज और जटायु का भी बनाया जाएगा मंदिर। तो अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं, जहां पहले से जो मूर्तियां थी उसको स्थापित किया जाएगा, महर्षि वाल्मीकि गणपति, वही सबरी का भी मंदिर बनेगा, निषाद राज और जटायु का भी
इसके अंदर मंदिर बनाया जाएगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट की बैठक में ये अहम फैसला हुआ है। तो राम जन्मभूमि में बनेगा माता जानकी का मंदिर। अयोध्या राम जन्मभूमि में बाल रूप में ही विराजेंगे रामलला। पहले की ही मूर्तियों को इस दौरान स्थापित किया जाएगा। और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनीष लगातार जुड़े हुए हैं। मनीष, भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन ये एक अहम फैसला लिया गया है जहां पर माता जानकी की मूर्ति भी लगाई जाएगी, साथ ही साथ तमाम और मूर्तियां जो है पहले से जो है वो वही विराजमान की जाएंगी। निश्चित तौर से ऋतु, ये एक बड़ा अहम फैसला लिया गया है। आपको बता दूं कि पिछले दो दिन से राम मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं चंपत राय, वो अयोध्या में आए थे। उन्होंने लगातार इस बैठक लेते हैं। उस बैठक के बाद ये देर रात फैसला लिया गया है कि माता जानकी का भी मंदिर वहाँ बनाया जाएगा। हालांकि आपको बता दूं कि अयोध्या में, क्योंकि श्री राम की जन्मस्थली थी, तो वहाँ पे उनके चारों भाइयों के साथ बाल रूप में प्रभु श्री राम वहाँ पे विराजमान है। तमाम वर्षों से वहाँ पे बाल रूप में ही उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि अयोध्या उनका जन्मस्थली माना जाता है। पर अब ये फैसला लिया गया है कि पूरे रामायण काल में जो राम लला के जो साथी थे उनको भी उस मंदिर जो भव्य निर्माण हो जा रहा है उसमें उनको भी स्थापित किया जाएगा, चाहे वो निषाद राज हों, चाहे वो जटायु हों, चाहे माता जानकी हों और तमाम महर्षि वाल्मीकि हों, उनके भी वहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, मंदिर भी स्थापित किया जाएगा, उनको अलग अलग स्थान भी दिया जाएगा। हालांकि जो जो मेन मंदिर का जो परिसर रहेगा, जो मेन श्री राम लला की जो मूर्ति रहेगी, वो वहाँ पे बाल स्वरूप ही है, क्योंकि अयोध्या में जब भी पूजा होती है तो बाल स्वरूप में उनकी पूजा होती है। और तमाम विगत वर्षों से ये परंपरा चली आई कि अयोध्या के जो राम लला हैं, क्योंकि उनको वहाँ प्यास इसलिए लल्ला के बुलाया जाता है, क्योंकि आप पूर्वांचल की बात करेंगे, अवध की बात करेंगे, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उनको लल्ला बुलाता है, इसलिए राम लला की बात की जाती है। ऋतु, तो राम लला के रूप में वहाँ पे विराजमान है और राम लला के रूप में ही उनको वहाँ पे विराज किया जाएगा। जो भव्य मंदिर का निर्माण हुआ जा रहा है उसमें जो मेन जो परिसर रहेगा, जो मेन अट्रैक्शन कार रहेगा, वो प्रभु श्री राम का राम लला के रूप में रहेगा। अपने चारों भाइयों के साथ वहाँ पे रहेंगे। उसके बाद एक प्रभु श्री राम, जानकी माता और लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी का भी एक मंदिर स्थापित किया जाएगा। तो उसी कॉरिडोर में जो मंदिर परिसर है उसमें तमाम जो रामायण काल में जो प्रभु श्री राम के सहयोगी रहे उनका भी मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये निर्णय लिया जाएगा और इसकी भव्यता को कैसे और भव्य किया जाए इसके लिए भी काफ़ी बात हुई है। मंदिर का निर्माण जल्द से जल्द हो, गुणवत्ता हो उसकी कैसी हो रही है, इसका खुद निरीक्षण किया था चंपत राय ने, जो कि रामतीर्थ मंदिर ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इसका खुद निरीक्षण किया था। और देर रात उन्होंने ये निर्णय लिया है कि अब माता जानकी का भी वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, मंदिर स्थापित जाएगा। साथ ही साथ निषाद राज, जटायु जो महान लोग थे, जो जिन्होंने राम लला के साथ पूरे रामायण काल में उनका सहयोग रहा है, उनको भी अब अयोध्या में बनने वाले प्रभु श्री राम के जो भव्य मंदिर है उसमें स्थान दिया जाएगा। तो अपने में एक बड़ी अच्छी उपलब्धि रहेगी। साथ ही साथ एक अगला जो आकर्षण जिसे कहेंगे वो यहाँ पे आकर्षण केंद्र रहेगा। उसकी भव्यता के लिए जो प्रसिद्ध है अयोध्या, अब प्रभु राम के जो दर्शन के लिए जो लोग आते हैं उनको वहाँ पे न केवल प्रभु राम के बल्कि माता जानकी के, निषाद राज के और जटायु के भी दर्शन वहाँ पे देखने को मिलेंगे। जीतू, ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात लखनऊ की करेंगे जहां सीएम योगी से मिले क्रिकेटर सुरेश रैना। सीएम योगी से सुरेश रैना की शिष्टाचार भेंट हुई। आईपीएल में इस बार नहीं शामिल हैं सुरेश रैना और उनकी तस्वीरें काफी वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर भी, ट्विटर पर भी, जहां पर सुरेश रैना सीएम योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की और अपनी तस्वीरें भी शेयर की। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ये तस्वीर शेयर की है, साथ ही साथ सुरेश रैना ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीरें शेयर की कि एक शिष्टाचार मुलाकात हुई जहां खेल को लेकर भी तमाम चर्चाएं की गई, आगे इसे बढ़ाने के लिए भी तमाम चर्चा की गई, साथ ही साथ प्रदेश के विकास को लेकर भी, तमाम योजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई।